365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएं। सवाल, उच्चतम लक्ष्य में बाधा बनने वाली आदतों से कैसे बचें? हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम हैबिट्स दैट पोज हर्डल्स इन अचीविंग द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। तो अभी नई आदतें हम कौन सी बना रहे हैं, इस पर सजग रहना है। नई आदतें यानी कोई ऐसी आदत न बन जाए जिस वजह से फिर हमें ध्यान में रुकावट आती है। लोग कंप्यूटर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो उसमें और डूबते जाते हैं, अंदर जाते हैं और अंदर जाते हैं, और फिर जब ध्यान में बैठते हैं तो वही सब चलते रहता है। टीवी में लोग जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं, तो एडिक्शन जब हो जाती है तो उसका नुकसान जो होता है कि पहले पर्सन आदतें लगाने में समय लगाता है, बाद में उनको निकालने में समय लगाता है और लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी गलती ना हो, उस वजह से खुद को याद दिलाना है कि जब कंप्यूटर नहीं था तब लोग क्या करते थे, क्योंकि रीज़न तो मन देगा, स्ट्रेस था, ये था, वो था, इस वजह से किया, कोई तो मेरे साथ बात करे, किसी से तो मैं बात करूँ, मैं अकेला फील कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई रीज़न लेकर इंसान ये सब शुरू करता है। मेरे खुद को बताएं कि ये कंप्यूटर नहीं थे तब लोग कैसे क्या करते थे, तब उन्होंने उस बात को वरदान कैसे बनाया। तो अब मैं क्या करूं, कितने समय तक मुझे खुद को संभालना है। एक लेवल अच्छी होती मैच्योरिटी की, तो तब तक तो इंसान को बहुत सजग रहना होता है। तो ऐसी कोई भी आदत न डालें जो बाद में निकालने में फिर समय जाए, और मन रीजंस देगा उसमें उलझना नहीं है। जिन लोगों के पास लक्ष्य नहीं है वे सब ये सब करते रहते हैं कि उनको कुछ सोचता ही नहीं, करे तो क्या करे, टाइम पास हो तो कैसे हो। मैं जिनके पास लक्ष्य है या एक भनक भी मिली है कि हम एक बड़े लक्ष्य की तैयारी कर सकते हैं, उन लोगों को तो ये बहुत ही ख्याल रखना है कि ऐसी आदतें लगानी नहीं है जो बाद में निकालने में समय जाए, और आगे फिर आप अपने आप को शाबाशी दोगे कि हम इन आदतों में नहीं गए। क्योंकि आजू बाजू में देखते हो ना, जो लोग ऐसी आदतों में फंस जाते हैं, व्यसनों में फंस जाते हैं, उनके साथ क्या होते रहता है, मन को ही वे कारण बताकर अपने व्यसनों को कंटिन्यू करते हैं। तो वो गलती ना हो उसका ख्याल रखें। कंप्यूटर वर्ल्ड को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, तो अच्छी चीज़ का हम उतना ही उपयोग करें जिस उपयोग के लिए वो बनाया गया है। लोग उससे अपना व्यवसाय चलाने के लिए कुछ भी परोस देंगे तो हमें उसमें नहीं उलझना है। तो आज की यंग पीढ़ी को तो उसका ख्याल रखना ही है, क्योंकि उनको कोई गाइड करने के लिए है ही नहीं, चारों तरफ वही लोग कर रहे हैं तो लगता है यही सही है, और जो नहीं कर रहे हैं मित्र उनको चढ़ाते हैं तो उनको लगता है कि हाँ हमें भी यही करना चाहिए। तो इसका ख्याल रखना है, कोई कुछ भी कहे, अरे अभी तक तुमने ये खेल शुरू नहीं किया है क्या, अभी तक तुम ये गेम नहीं खेलते हो क्या, अभी तक तुम फेसबुक पे नहीं आए हो क्या, अभी तक तुम ये नहीं कर, तो लोग सोचते यही सही है। तो अपना असली फेस जानना है, और अच्छा है कि ये बातें हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान सुनने को मिले और उस पर यकीन भी आए, कई बार लोगों को यकीन आने में भी एक बड़ा समय लग जाता है, श्रद्धा जगने में भी एक समय लग जाता है, जिस वजह से जीवन में कई कॉम्प्लिकेशंस तैयार करके फिर पर्सन उनको सुलझाने निकलता है, फिर उनको सुलझाते सुलझाते बाकी आधा जीवन चला जाता है। ऐसा न हो उसके लिए सही उम्र में ये सब बातें मालूम पड़ जाए और फिर हम जीवन में प्रवेश करते हैं। जैसे पुराना सिस्टम था, 25 साल लोग गुरुकुल में रहते थे और उसमें पूरी तरह से तैयार होकर ही संसार में जाते थे, गृहस्थ आश्रम में जाते थे, फिर शादी, फिर बच्चे और दुकान संभालना है या व्यापार करना है, वो सब अच्छे से कर पाते थे, और फिर समय आता था कि अब हम अपने लक्ष्य की तरफ चेहरा करेंगे, संसार को भी देख लिया, अब अपनी लक्ष्य की तरफ वापस से टर्न लेना है, जो बेस तैयार हो गया तो वो उस तरफ अपना चेहरा करते थे, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे 50 साल के बाद, और फिर उसी में जो घर में बच्चे आए होते थे, उनके बच्चों के बच्चे, उनके साथ उनको भी तैयार करते हुए कि वे भी कैसे गुरुकुल में शिक्षा प्रॉपरली लेकर आ पाए। अपना लक्ष्य, मेन लक्ष्य ध्यान में रखते हुए बाकी एक्टिविटीज़ में, फिर एक समय आता था कि वो पूरी तरह से उसी में जाते थे,
बचा हुआ समय 75 साल के बाद, तो एक विभाजन था। आज लोगों की उम्र उतनी न भी होती हो तो ये 25 साल की जगह पर भले 20 साल तक आ जाए, मगर ये 20 साल पहले के साल जो है अगर सही ढंग से काम हुआ, नींव उसमें पक्की हो गई, तो आगे रास्ता बहुत सहज है, सरल है, और उल्टा आपको देखकर और लोगों को जो उस उम्र में है उनको प्रेरणा मिलती है कि ये भी तरीका है जीने का। वरना चारों तरफ वही वातावरण दिखता है तो किसी को लगता ही नहीं है कि और भी कोई तरीका है जीने का। गुरुवर को सादर चरण स्पर्श। हैप्पी थर्ड सर। हैप्पी थर्ड सर। आई एम अ केजी क्लास स्टूडेंट ऑफ योर आध्यात्मिक स्कूल। व्हेन आई केम हियर आई हैड डाउट इन माय माइंड, आई कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग और नॉट, बट द वे द नॉलेज वॉज इम्पार्टेड स्टेप बाय स्टेप, इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर मी टू फॉलो एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग आफ्टर इंटेंस हियरिंग, only hearing. Yes. It was not in my mind, I could understand only after hearing, but it was true that after hearing I could understand, follow everything. At last I got the knowledge that Tejistan and bright truth, what is I need that, and I don't know, it is such good gyan, and how I can take care of that, sir. I pray for your blessing. Thank you, sir. Thank you so much. महा आसमानी परम ज्ञान शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सर श्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। इस संदेश के बारे में अपने विचार अभिप्राय जरूर शेयर करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mail@tejgyan.com।